बेशक इस साल ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन नए साल का स्वागत बेहद गर्मजोशी से करने के लिए लखनऊ के लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं। लखनऊ का मशहूर कैथेड्रल चर्च में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की भीड़ नजर आ रही है। लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस पूरे इलाके में लोग घूम रहे और एक उत्सव जैसा माहौल है, मेले जैसा माहौल है। लोग अपने घरों से निकल आए हैं और आप देख रहे हैं कि हर उम्र हर वर्ग के लोग यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। ठीक सामने आप हमारे देख रहे हैं कि लखनऊ के हजरतगंज का ये मेट्रो स्टेशन है। इसको भी बेहद खूबसूरती से और करीने से सजाया गया है ताकि जो लोग आए इस इलाके में वो खुद को बेहद खुशनुमा महसूस करें। आप हमारे ठीक सामने देखेंगे कि जो दूसरा स्टेशन है वो भी आप देख रहे हैं कि रंगीन झालरों से जगमगा रहा है। लोग निकल के ज़रूर आए हैं बाहर और ठंड बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके जो गर्मजोशी है वो यहाँ पर कम नज़र नहीं आ रही है। लोग अपने घरों से निकल करके आए हैं और नए साल का इंतज़ार कर रहे हैं कि रात के 12 बजे और उसके बाद वो यहाँ पर एक उत्सव मना सकें, यहाँ पर एक दूसरे को बधाइयाँ दे सकें। तो फिलहाल जो है इस इलाके में आप देख रहे हैं कि लोग घूम रहे फिर रहे हैं और यहाँ पर अपने परिजनों के साथ निकल करके आए हैं ताकि नए साल का जश्न वो मना सकें और जो आने वाला नया साल है वो उनके लिए बेहद खुशनुमा हो, इस उम्मीद के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और दृश्य भी आपको हम भीतर के दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लोगों की यहाँ पर भीड़ जमा हुई है और इस चर्च को आप देखिए कि किस खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो ख़ास तौर से हजरतगंज का जो इलाका है यहाँ पर ठीक ठाक भीड़ होती है और लोग आते हैं नए साल पर जश्न मनाने के लिए। आप देख रहे हैं कि लोग तमाम लोग यहाँ पर फोटोग्राफ खिंचवाते हुए नजर आ जाएंगे और ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की भीड़। जी कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ खुर्रम नगर। अच्छा यार, नए साल जश्न मनाने आए हैं जी। क्या विषय नए साल पे? जी नए साल पे क्या विषय आपकी? नए साल में बस कि पढ़ाई अच्छे से हो, यही नए साल पे मेरी विषय। अच्छा, जाए नया साल बेहतर गुजरे। जी जी जी। लोग हैं वो चाहते हैं कि नया साल बहुत बेहतर तरीके से गुजरे और इसके लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देखिए कि वहाँ पर सामने लोग कैंडल जला रहे हैं और कैंडल जला करके विश मांग रहे हैं कि जो आने वाला साल है उनका बहुत बेहतर जाए। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको देखे नज़र आ रहे हैं इस पल को इंजॉय करने के लिए। जी क्या नाम है आपका? विशाल सिंह चौहान। विशाल जी, नए साल पर क्या विषय आपकी? काफ़ी अच्छी विषय है, जो भी युवा पीढ़ी आ रही है उनके लिए आगे की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो और जो रिसेशन जो आप लोगों का जॉब वगैरह में चल रहा है वो थोड़ा सा डाउनफॉल में आए, थोड़ा सा प्याज के दाम थोड़े से कम हो तो कुछ और बकरे वगैरह बनाए जाए और अच्छा हो जाए। आप बताइए आप क्या चाहती हैं नए साल पे, क्या होना चाहिए? नए साल पे तो अभी मेरी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, हम लोग 2 से 3 होने वाले हैं। चलिए बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की अपनी अपनी विश है। ये जो कपल आए यहाँ पर कह रहे हैं कि नए साल पर वो 2 से 3 होने जा रहे हैं और उनकी इच्छा है कि जो खूबसूरत मेहमान है नए साल में, जो आने वाला साल है उसमें खूबसूरत मेहमान उनके घर पे आए। तो अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग ख्वाहिशें हैं। हम भी ये उम्मीद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी हैं नए साल पर जिनकी जो भी ज़रूरतें हैं या जो भी उनकी ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी हो जाए। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।